तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं मार्केट में, डेली एक ना एक जो है न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जो देखने को मिल ही जाते हैं हमें। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा ई स्कूटर जो कैसे चूज करें, जो जिसको लेने के बाद जब 5-6 साल तक जो हम थोड़ा फ्रीली हो जाएं और जो हमारा ऑब्वियसली पेट्रोल का कॉस्ट भी बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है पर्सनल जो है एक्सपीरियंस उससे ही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एक अच्छा ई स्कूटर ऐसा होना चाहिए जो कि पेट्रोल के मुकाबले जो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़े और जो काफ़ी मेंटेनेंस भी जो उसकी कम हो, जैसे कि जो है सिंपल वन, ओला, और जो है बाइक में बात करें तो रिवोल्ट। तो ये कुछ ऐसे ई स्कूटर है जिनको एक बार अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो आप फ्री हो जाते हो पेट्रोल के कॉस्ट से। वन टाइम खर्चा ज़रूर आता है आपका। तो नेक्स्ट आता है, देखिए दोस्तों, हम इंडियन कंज्यूमर जो है ई स्कूटर में एट ए फर्स्ट ग्लैंस दो चीज़ ज़रूर देखते हैं, भाई इसकी स्पीड कितनी है और ये कितना चलती है एक बार चार्ज करने पर। तो ये दो चीज़ें ज़रूर जो है मायने रखती है और मायने रखनी भी चाहिए एक ई स्कूटर में। तो यहाँ पर जो ओला, सिंपल वन और रिवोल्ट, ये तीनों ई स्कूटर जो है पहले पायदान पर आते हैं अगर आप एक ई व्हीकल जो है लेने की उसमें आते हैं टू व्हीलर। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो चीज़ें इन्होंने दिखाई है, यानी कि जैसे बोला गया है कि जो कि ओला एस वन प्रो है वो 181 किलोमीटर तक चलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्चुअल वो 181 किलोमीटर नहीं चलती है, उसकी जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर। और इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स मोड जब ऑन होता है तो वो जितना बोलते हैं ना उसका हाफ कर दीजिए, यानी कि आधा हो जाता है स्पोर्ट्स मोड में इसकी माइलेज। यानी कि अगर वो बोल रहे 180 चलेगा तो स्पोर्ट्स मोड में जो है वो 90 या 100 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि उस वक्त वो अपने पीक पर होता है, जितनी बैटरी वो यूज कर सकता है उतनी यूज करता है। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों वो है बैटरी और मोटर। एक ई स्कूटर में 75% जो है सिर्फ जो है इसी पर डिपेंड होता है, मोटर और उसकी बैटरी पर। अब ओला और सिंपल वन जैसे ई स्कूटर को भी ले लो, कहा जा रहा है इनकी बैटरी की कीमत जो है 60 से 80 हज़ार रुपये है, जबकि जो है एक ई स्कूटर की कीमत 1,10,000 रुपये। तो यानी कि जो है आधे से ज़्यादा कॉस्ट जो सिर्फ बैटरी की ही है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ऐसी चीज़ लीजिए जिसकी बैटरी जो है अराउंड जो है 5 साल तो हो, वो बात अलग है। सिंपल वन और ओला जो है 3 साल की बैटरी वारंटी देते हैं, और दूसरी तरफ बात करें हम रिवोल्ट की, जो वहाँ पर आपको जो है 8 साल की बैटरी वारंटी मिलती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं 8 या 10 साल के बाद जो अपनी बाइक को चेंज कर भी लेते हैं मोस्टली, वो बात अलग है। इंडियन कंज्यूमर जो है 10-15-20-20 साल तक खींचते रहते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा ई स्कूटर ना ले जिसकी बैटरी सिर्फ जो है 1 साल की वारंटी के साथ आती हो, क्योंकि जो है आप बैटरी पलटाने में ही रह जाओगे, आपको कॉस्ट वही पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट आता है, देखिए दोस्तों, कोई भी स्कूटर लेने से पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी को जो एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी जो काफी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रखती है। और साथ में आता है दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन, यानी कि जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या सोचता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी ई स्कूटर जैसे कि ओला हो गया, सिंपल वन हो गया, रिवोल्ट हो गया, ये ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन वाइज जो है एक हाई लेवल पर है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ये मार्केट में नहीं आया है, यानी कि जो एक पर्सनल यूज के लिए, यानी कि जो लोगों को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमेशा जो है वेट कीजिए, यानी कि जल्दबाजी ना कीजिए कि आ गया, मैंने प्री बुकिंग करा ली, मुझे सबसे पहले यूज करना है। ओब्वियसली आप स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं यूज़र रिव्यू जो है सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ई स्कूटर लेने से पहले उसे कोरा, रेडिट या फिर कोई ऐसी जगह पर जो उसके पर्सनल ओपिनियन देखिए लोगों के, कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अपने आसपास के एरिया में देखिए कि किसके पास ई स्कूटर है, तो उससे जाके पूछिए कि हाँ भाई ओला कैसी चल रही है, आपको कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है लेने का। तो पर्सनल जो है रिव्यू ज़रूर लीजिए। आई नो कि जो है मिक्सअप जो है रिव्यू मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको एक जानकारी लग जाएगी कि हाँ कि कौन सा पॉइंट इसका प्लस है, कौन सा नेगेटिव, और मुझे लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो पर्सनल जो लोगों के रिव्यू जो काफ़ी मायने रखते हैं, तो आप उस चीज़ पे एक बार गौर जरूर कीजिए, प्री बुकिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। वैसे प्री बुकिंग सिर्फ 500 रुपये में होती है, कोई बुराई भी नहीं है, अगर करते हैं तो कर लीजिए, उसके बाद वेट कीजिए देखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जो एक ई स्कूटर लेते वक्त आपको जो है ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। बाकी सारी चीज़ जो आप पे डिपेंड है, कि वो बात अलग है कि आपने एक बार सोच लिया कि मुझे तो लेना ही लेना है ओला का, मुझे लेना ही लेना है रिवोल्ट का, तो रिवोल्ट जो एक अच्छी बाइक है, बट वो बात अलग है, अनफॉर्चुनेटली वो मिलती ही नहीं है, वो सिर्फ वह बुकिंग पर आती है 2-3 महीने की बुकिंग पर। तो एनीवे दोस्तों, आपके क्या अपने पर्सनल पॉइंट है एक बार जो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।